जी हाँ दोस्तों, मैदान पर खेलते भारतीय खिलाड़ियों को देख आप यही सोचते होंगे कि बल्लेबाजी गेंदबाजी अच्छी कर लेते हैं, साथ ही साथ आगे जाके ये कमेंट्री कर लेते हैं और कई कोच बन जाते हैं। लेकिन आप सभी को बता दें कि कुछ खिलाड़ी ऐसे भी रहे हैं भारतीय जो कि साथ साथ क्रिकेट के कुछ सरकारी नौकरी भी करते नजर आए हैं। आप सभी को बता दें दोस्तों कि आज हम ऐसे सात क्रिकेटर के बारे में बात करने जा रहे हैं जो क्रिकेट में करोड़ों रुपए तो कमाते ही हैं लेकिन साथ ही साथ सरकारी नौकरी करके भी देश के लिए काफ़ी मेहनत का काम कर रहे हैं। तो दोस्तों इसमें सबसे पहला नाम आपको बताते हैं सचिन तेंदुलकर का। क्रिकेट इतिहास में भारत रत्न से सम्मानित सचिन तेंदुलकर को सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज कहा जाता है। क्रिकेट में अपना नाम प्रसिद्ध करने के बाद एयरफोर्स ने उन्हें एक पद से सम्मानित किया। वर्तमान में वे वायुसेना के कप्तान के रूप में कार्य कर रहे हैं। आप सभी को बता दें दोस्तों अगला नाम है हरभजन सिंह का। अपने दौर में हरभजन सिंह सबसे सफल गेंदबाज रहे। इन्होंने टेस्ट में 400 एवं वनडे में 200 से अधिक विकेट गिराए और बल्ले से भी कई मौके पर कमाल दिखाया। इतना ही नहीं अब वह पंजाब पुलिस में DCP के पद पर भी कार्य कर रहे हैं। तो दोस्तों अगला नाम आपको बताएं इस लिस्ट में तो महेंद्र सिंह धोनी का है। महेंद्र सिंह धोनी को कौन नहीं जानता। वे जब साल 2007 में टीम इंडिया के कप्तान बने थे तब वर्ल्ड कप 2011, T20 वर्ल्ड कप और ICC चैंपियंस ट्रॉफी साल 2013 को जीत हमारे देश का नाम रोशन किया। ऐसे में दोस्तों भारतीय सेना द्वारा इन्हें कर्नल की उपलब्धि से सम्मानित किया गया है। अगला नाम दोस्तों इस लिस्ट में है कपिल देव पाजी का। क्रिकेट से करोड़ों की कमाई करने वाले सात भारतीय क्रिकेटर्स करते हैं सरकारी नौकरी में दोस्तों कपिल देव का भी नाम है। 1983 में भारत को पहला वर्ल्ड कप जिताया था। वर्तमान में सरकारी नौकरी के रूप में भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल का पद दिया गया है। अगला नाम दोस्तों इसमें उमेश यादव का है। उमेश यादव जो भारत के तूफानी गेंदबाज हैं, उन्होंने टीम इंडिया को कई जीत हासिल कराने में अहम योगदान दिया। उन्हें सरकारी नौकरी के रूप में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में सहायक मैनेजर का पदभार संभालने के लिए भी दिया हुआ है। जोगिंदर शर्मा इस लिस्ट में अगला नाम है। बहुत कम लोग इनके बारे में जानते हैं लेकिन आपको बता दें कि पहला ICC T20 वर्ल्ड कप साल 2007 में टीम इंडिया द्वारा जीता गया था जिसमें जोगिंदर शर्मा की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। क्रिकेट जगत के बाद ये हरियाणा पुलिस में DCP के रूप में कार्यरत हैं। अगला नाम दोस्तों जो है वो आप चौंक जाएंगे और जो जॉब करते हैं वो भी आप चौंक जाएंगे। ये नाम है युजवेंद्र चहल का जो भारत के प्रमुख स्पिनर हैं। क्रिकेट में गेंदबाजी की कमाल दिखाई है लेकिन सरकारी नौकरी के रूप में ये आयकर विभाग यानी कि टैक्स डिपार्टमेंट में इंस्पेक्टर के रूप में कार्यरत है। दोस्तों ये सारी जानकारी एक रिपोर्ट के मुताबिक थी तो आप देख ही सकते हैं किस प्रकार से क्रिकेट खेला करोड़ों कमाया लेकिन भारत देश के लिए सेवा करने के लिए सरकारी नौकरी में भी अपना अहम योगदान दिया है इन्होंने हर मौके पर। साथ ही साथ आपने महेंद्र सिंह धोनी को तो दोस्तों बहुत बार यूनिफॉर्म में देखा ही होगा। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।